three little pigs. Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. एक बार तीन पिग्स थे जिनका नाम था सोनू मोनू एंड गोनू. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू तिनको और झाड़ियों के घर में रहता था. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स और मोनू वुडन हाउस में रहता था जो स्टिक्स का बना हुआ था, लकड़ियों का. एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स और मोनू और गोनू ईंट के घर में रहता था. ईंट का घर सबसे स्ट्रांग होता है. वन डे A big bad wolf came to Sonu's house. एक बार एक बड़ा सा गंदा सा भेड़िया सोनू के घर पे आया. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. मैं खूब हवा फुला के, हवा छोड़ के, मुंह फुला के, फू करके तुम्हारा घर उड़ा दूंगा. So he huffed and he puffed. And he blew the house down. तो उसने बड़ा सा मुंह फुलाया और हवा निकाली और घर को उड़ा दिया. सोनू ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. अब सोनू भाग के मोनू के घर पे चला गया. वहां वुल्फ वहां भी पहुंच गया, मोनू के घर पे भी. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. मैं बड़ा सा मुंह फुला के, हवा छोड़ के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा, उसने ऐसा मोनू को बोला. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड. उसने मुंह फुलाया बड़ा सा, हवा छोड़ी एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन और उसने फू करके बड़ी सी मोनू का घर भी उड़ा दिया. अब आगे क्या हुआ, लेट्स सी. उसके बाद सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. सोनू और मोनू इतने डर गए, दोनों का घर उड़ गया और दोनों गोनू के घर पे गए. द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस. अब वुल्फ गोनू के घर पे भी आया. ही सेड, आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. तो उसने गोनू को भी वही सेम बात बोली, मैं बड़ा सा मुंह फुला के तुम्हारा घर भी उड़ा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन. तो उसने बड़ा सा मुंह फुलाया, इतनी सारी हवा छोड़ी पर वो गोनू का घर नहीं उड़ा पाया. इट वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग घर था, बहुत मजबूत था ईंट वाला हाउस. द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. और अब वुल्फ वहां से चला गया और सोनू मोनू एंड गोनू तीनों हैप्पीली रहने लगे. किसके घर में? गोनू के रेड ब्रिक हाउस में, जो बहुत स्ट्रांग था और जो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाया. सो नाउ जस्ट रीड द चैप्टर अगेन विच आई हैव गिवन यू. आई हैव गिवन यू द अटैचमेंट्स. मैंने आपको भेजी हैं अटैचमेंट्स और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे दोबारा से. थैंक यू.